दोस्तों, आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे, यानी अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें सेविंग अकाउंट की, तो जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं उस पे आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। तो दोस्तों, अब फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 1 साल की एफडी में आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। और पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट, 1 साल में अगर आप 1 लाख एफडी करते हैं तो आपको 1 साल के बाद 1,07,080 रुपये मिलेंगे। वहीं 2 साल की एफडी करते हैं तो दोस्तों, 2 साल की एफडी में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और 1 लाख की एफडी करने पर 1,14,371 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी। अब 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 3 साल की एफडी में आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, और 1 लाख की एफडी कराने पर आपको 1,21,873 रुपये मिलेंगे 1 साल बाद। वहीं आप 5 साल की एफडी करते हैं तो दोस्तों, 5 साल के एफडी में आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। और 1 लाख की एफडी कराने पर आपको 5 साल के बाद, सॉरी 1 साल के बाद 1,38,567 रुपये मिलेंगे। अब पोस्ट ऑफिस की बेहतरीन स्कीम रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो दोस्तों, इस स्कीम में आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यह स्कीम 5 साल की होती है और 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट में अगर आप 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको 7,13,658 रुपये की राशि मिलेगी, क्योंकि इस स्कीम में आप 5 साल के लिए और एक्सटेंड भी करा सकते हैं, यानी टोटल आप 10 साल की इस स्कीम को चला सकते हैं। और पूरे 10 साल अगर आप चलाते हैं तो आपको 17,08,544 रुपये की 10 साल के बाद राशि मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं MIS यानी मंथली इनकम स्कीम की। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट हर महीने आपको मिलता रहता है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। पोस्ट ऑफिस की MIS 5 साल की स्कीम होती है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.5% रहेगा, और अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 617 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, और आपका मूलधन भी सेफ रहेगा। 5 साल के बाद आपका मूलधन भी आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम में आप एक व्यक्ति के नाम से 9 लाख और दो व्यक्ति एक साथ मिलकर आप 15 लाख तक जमा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस स्कीम में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं
1 अक्टूबर 2024 के बाद तो दोस्तों आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। इस स्कीम में हर 3 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप 1 लाख डिपॉजिट करते हैं तो इसमें आपको 2,050 रुपये हर 3 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और इस स्कीम में आप अपने पत्नी के साथ मिलकर आप 30 लाख तक जमा कर सकते हैं। वहीं हम बात करें पोस्ट ऑफिस की बेहतरीन स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की NSC में अभी आपको 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 7.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप इस स्कीम में 1 लाख डिपॉजिट करते हैं तो आपको 1 लाख का आपको 1,44,903 रुपये मिलेंगे। यह स्कीम 5 साल की होती है, और इस स्कीम में आप 5 साल से पहले नहीं तोड़ सकते। यानी एक बार आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आप इसको 5 साल के बाद ही मैच्योरिटी मिलती है, आप इसे 5 साल के बाद ही तोड़ सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की NSC में आपको इनकम टैक्स ATC के तहत छूट भी मिलती है, इसलिए स्कीम सबसे बेहतरीन स्कीम मानी जाती है और सबसे पहले पसंद मानी जाती है टैक्स पेयरों के लिए। अब टैक्स पेयर के लिए अब हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम, जिसे डबल मनी स्कीम भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम में आप जितना भी रुपए जमा करेंगे उसका आपको दुगना मिलेगा। अभी इस स्कीम में 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 9 साल 7 महीने में आपका रुपया डबल हो जाएगा। यानी अगर आप इसमें 1 लाख जमा करते हैं तो आपको समय पूरा होने के बाद 1 लाख का 2 लाख रुपया मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल की स्कीम होती है, और इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 7.5% का रहने वाला है। और इस स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के रूप में 2 साल के बाद 1,16,022 रुपये मिलेंगे। अब हम बात करें पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो दोस्तों इस स्कीम में आपको 7.51% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जी हाँ, 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। और अगर आप इस स्कीम में 5,000 प्रति माह जमा करते हैं तो आपको 15 साल के बाद 15,77,764 रुपये मिलेंगे, क्योंकि यह स्कीम 15 साल की होती है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो गाइस सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 8.2% का ही इंटरेस्ट रेट रखा गया है। तो दोस्तों यह थी पोस्ट ऑफिस की ऑल सेविंग स्कीम की नई इंटरेस्ट रेट, जो लागू रहेगी 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। तो हाँ गाइस, जो पहले इंटरेस्ट रेट थी वही सेम इस बार भी इंटरेस्ट रेट रखा गया है। जो जुलाई से लेके हमें सितंबर तक देखने को मिला था इंटरेस्ट रेट, वही सेम टू सेम, वही किसी में बदलाव नहीं किया गया, पूरा सेम का सेम वही रखा गया है। तो दोस्तों अगर आपको आज की नई अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूले। पोस्ट ऑफिस की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।